तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है ड्रैक्सटार गेमिंग के एक और नए वीडियो में। तो गाइस, पिछले वीडियो के यार आपके शानदार सपोर्ट के बाद आ गया है हमारा न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के वीडियो में हम क्या बात कर रहे हैं, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेजर्ट ईगल और M500 की ओवर पावर्ड गाइस मतलब हेडशॉट ट्रिक के बारे में, जिससे आपके डेजर्ट ईगल या किसी भी गन से बहुत ईजिली जो है वन टैप हेडशॉट लगने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो बहुत ही ओपी है। और सबसे बड़ी बात गाइस, सबसे बड़ी बात, आपने जितने भी मतलब बंदों के वाइज वीडियो देखे होंगे, तो अधिकतर बंदे भाई बहुत से बंदे क्या बोलते हैं, पीसी में कोई खेलता है और आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा है, कोई आईफोन में खेल के दे रहा है, कोई DPI बढ़ा के हेडशॉट मार के आपको टिप्स एंड ट्रिक दे रहा है। मैं गाइज, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, बट गाइज मैं ओरिजिनल बंदा हूँ जो कि मतलब मैं ना DPI बढ़ाई मैंने, ना मेरे पे आईफोन है, सिंपल एक 3 GB रैम का फ़ोन है। सोचो गाइज, 3 GB रैम, उसमें भी स्टैंडर्ड ग्राफिक्स में खेल रहा हूँ और उसमें भी रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, बैकग्राउंड में बहुत लैग कर रहा है, तब भी देखो गाइज मैं वन टैप कैसे पढ़ रहा है मेरे यार लगे लगे। तो इस तरीके से आपके भी पढ़ सकते हैं, बस मेरे को ये मतलब इसमें मैं 5 स्टेप्स बताऊंगा, जस्ट उनको फॉलो करना है और आप जो है वन टैप मार के पूरी स्कॉट्स को वाइप कर सकते हो गाइज। तो गाइज पूरा वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज होप्स हो कि आप पूरा वीडियो देखोगे। तो गाइज स्टार्ट करूंगा इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो इस वीडियो में गाइस हम ओनली 5 स्टेप्स की बात करेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करते से ही आपके वन टैप हेडशॉट डेजर्ट ईगल M500 और यहाँ तक कि गाइस ड्रैगन ऑफ SKS में भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, उनसे पढ़ने लग जाएंगे। शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज दोनों की बात करेंगे गाइस, दोनों की एकदम ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट की ओर चलते हैं जो कि रहेगा यहाँ पे सेंसिविटी का। तो सेंसिविटी वाइज मैं हर वीडियो में कवर करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो सबसे पहली जो है ये है कि आपको हमेशा अपने जर्नल को जो है 100 पे रखना है, जर्नल जो आपकी सेंसिविटी रहती है उसको 100 पे रखना है। उसके बाद सेकेंडरी आपको रेड डॉट को भी बिल्कुल 100 पे रखना है, खासकर 1 से लेकर जितने भी 4 GB रैम वाले प्लेयर हैं गाइस उनको तो ये रखना ही है गाइस, कि मतलब 100 तो रखना ही है 1 से लेकर 4 GB रैम वालों के। और 6-8 GB रैम वाले अपने हिसाब से देख लें, वैसे थोड़ा ही ज़्यादा आगे पीछे कर सकते हैं, 90, 80, 90 ऐसा कर सकते हैं ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर पॉइंट की, सेकंड नंबर पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रहेगा यहाँ पे फायर बटन साइज़। मतलब कि यार मैंने ना हर साइज़ का फायर बटन मैंने ट्राई करके देखा गाइस, लिटरली बता रहा हूँ। तो 60 का ट्राई करके देखा, 50 का ट्राई करके देखा, 40 तक का भी मैंने फायर बटन का साइज़ जो है अपने गेम में ट्राई करके देखा, और जो बेस्ट मेरे को उस फायर बटन का साइज़ लगा ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, और लिटरली आपको भी ये सही में सही लगेगा और सही में आपके हेडशॉट पड़ेंगे गाइस इस साइज से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए लाइक तो बनता है यार, मैंने ये वन टैप हेडशॉट के लिए जो साइज़ ढूंढा है ना फायर बटन का, बहुत ओपी है। तो आपको हमेशा गाइस अगर आपको वन टैप हेडशॉट मारने, तो आपको अपने फायर बटन का साइज़ यहाँ पे 45 से लेकर 50 के बीच में रखना है, और लिटरली बता रहा हूँ बहुत ओपी साइज़ है। और इससे इस साइज़ में अगर आप ड्रैग करते हो फायर बटन से, तो बहुत जल्दी हेड लगने के चांसेस रहते हैं ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर जो पॉइंट रहेगा हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर। तो थर्ड नंबर पॉइंट में सिंपली गाइस आपको क्या करना है ना, अपने कस्टम HUD में आ जाना है, और ये भी कस्टम HUD रिलेटेड ही पॉइंट है। तो इसमें आपको क्या करना है ना, जो आपका फायर बटन है उसका साइज़ मैंने आपको बता ही दिया कि 45 से लेकर 50 के बीच में रखना है। और गाइस आपको जो अपना फायर बटन है ना, उसको जो आपकी स्क्रीन है गाइस, फ़ोन की स्क्रीन यहाँ पे एंड हो रही है ना, वहाँ के थोड़ा सा नीचे रखना है। जिस तरीके से देखो गाइस मैंने रखा ना, यहाँ भी आपको अपना जो फायर बटन है ना वहाँ पे रखना है। इससे गाइस बहुत फ़ायदा मिलेगा, पूछना मत ही क्या फ़ायदा मिलेगा, बट हाँ बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको बहुत सारी स्पेस मिल जाएगी ट्रैक करने के लिए और आप इजीली ट्रैक कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको फायर बटन रखना है और आपकी इजीली ट्रैक लगेंगे ठीक है। और जो अगर नीचे जो वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, प्रोन बनने वाला बटन जो रहता है ना, उसको आप ऊपर ले जाना, जिससे कि आपको नीचे दिक्कत ना आए, गलती से वो ना दब जाए ठीक है। इसलिए उसको कहीं और रख देना, शिफ्ट कर देना, उसको जीरो साइज करके कहीं और लगा देना ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे फोर्थ नंबर टिप की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे हमें फोर्थ नंबर पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ नंबर पॉइंट जो ये है यहाँ पे, हम बात करेंगे एमिंग के बारे में। तो ये एमिंग के बारे में रहेगा, तो इसमें हम दोनों तरफ से यहाँ पे इसको कवर करेंगे। पहली कैटेगरी रहेगी यहाँ पे लॉन्ग रेंज एमिंग, और दूसरी रहेगी यहाँ पे शॉर्ट रेंज। तो शॉर्ट आपको लॉन्ग रेंज में कैसे एम करना है,
तो लॉन्ग रेंज में हमेशा गाइज आपका एम ना जस्ट रेड होना चाहिए, क्योंकि होगा क्या है ना कि जो डेजर्ट ईगल या M500 रहती है ना उनकी रेंज उतनी ही नहीं रहती। तो अगर आप अगर रेड भी कर लेते हो उसके बाद ट्रैक करोगे तो भी आपके जो है हेडशॉट लग जाएंगे। आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपका एम एटलीस्ट कहाँ पे है, आपको बस रेड कर लेना है लॉन्ग रेंज में और फिर आपको ट्रैक करना है, ठीक है। अब सेकंड नंबर जो रहेगा यहाँ पे जो शॉर्ट रेंज के लिए और या मिड रेंज के लिए रहेगा, तो इसमें आपको ज़रूर एमिंग को ध्यान से देखना है। तो आपको हमेशा ट्राई करना है कि आपका जो जो मतलब जो ये बीच में रहता है ना ये रेड डॉट, जो आपके बीच में ये रेड डॉट रहता है मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट करके, ये रेड डॉट हमेशा आपके हेड के पास में रहे, जिससे ये हमेशा गाइस दूसरे जो एनिमी रहेगा उसके भी हेड के पास रहेगा और जो उसके चेस्ट से लेकर जो उसके हेड का जो डिस्टेंस रहेगा ना वो बहुत कम रहेगा इसकी वजह से। और इससे आप जो है ईजिली जो है शॉर्ट रेंज और मिड रेंज में भी ईजिली ट्रैक कर पाओगे। तो इसलिए आपको हमेशा गाइस अपने एम को थोड़ा सा ऊपर लेके चलना है और जिस और कोशिश करना है कि एनिमी के ऊपर भी वो आए, पैर वैर पे आएगा ना तो गाइस आप ट्रैक करोगे तो वो ट्रैक नहीं होगा, इसलिए पैर वैर पे एम ना आए ऐसी आपको देख के चलना है। और आपको हमेशा गाइस चेस्ट पे एम लाने की कोशिश करना है तो ईजिली ट्रैक पड़ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे फिफ्थ नंबर, तो पॉइंट नंबर फिफ्थ रहेगा गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज यहाँ पे पॉइंट नंबर फिफ्थ, जो कि रहेगा यहाँ पे ड्रैग टेक्निक एंड पूरा मैं उसमें ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहली गाइज अपन लॉन्ग रेंज ट्रिक की बात करेंगे, तो लॉन्ग रेंज में आपको कैसे ड्रैग करना है, तो लॉन्ग रेंज में आपको हमेशा गाइज हमेशा कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना गाइज आपको लॉन्ग रेंज में, बस आपको ये देखना पड़ेगा कि एनिमी स्टिल खड़ा हुआ है क्या नहीं, क्योंकि अगर वो मूवमेंट वो होगा तो उसको एक भी ड्रैग नहीं पड़ने वाला है। आपको ये देख लेना है कि वो एनिमी अगर शांत एकदम शांतली खड़ा हुआ है ना तो उसको 100% ड्रैग पड़ेगा, आपको बस रेड एम कर लेना है और जो आपका बटन है गाइस उसको थोड़ा सा ही ऊपर करना है, थोड़ा सा जितना मैं दिखा रहा हूँ ना बस इतना सा ऊपर करना है आपको, ड्रैग करना है इतना सा ही और 100% उसको ड्रैग लगेगा और वो एनिमी यहाँ पे स्टिल खड़ा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर टिप जो कि रहेगा यहाँ पे शॉर्ट रेंज स्ट्रेटेजी या शॉर्ट और मिड रेंज की। तो गाइज अल्ट्रा शॉर्ट रेंज की नहीं बताऊंगा मैं, जो कि M10 वाली रेंज रहती है, क्योंकि उसमें गाइज अपना गाइज एक से लेकर 4 GB रैम वाले फ़ोन रहते हैं अपने पास, अपन मिड रेंज आदमी हैं तो गाइज अपने एकदम अल्ट्रा शॉर्ट रेंज में गाइज हेड बिल्कुल नहीं पड़ सकते, अपन हैकर नहीं है यार, उनके पढ़ते हैं वो आईफोन है उनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो अपन यहाँ पे मिड रेंज और थोड़ा सा मिड शॉर्ट रेंज में बताओ, तो गाइस मिड रेंज और मिड शॉर्ट रेंज में गाइस आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहली बात गाइस आपको ये मूवमेंट वाले बटन को तो जब आप शूट कर रहे हो तब आपको छूना भी नहीं है, अगर आप इसको जो है मूवमेंट करके मारोगे ना किसी को हेडशॉट तो उसको नहीं पड़ेगा, आपको भी एकदम शांति से खड़ा रहना पड़ेगा। और दूसरी बात गाइस एनिमी भी खड़ा रहेगा ना तो उसको ज़्यादा जल्दी लगेगा, वैसे रनिंग में भी लग जाएगा, देखो रनिंग में भी मार दिया मैंने हेड, ऐसे आप रनिंग में भी लग जाएगा, बस रनिंग के लिए आपको अलग से ट्रैक करना पड़ेगा। तो अगर एनिमी स्ट्रेट खड़ा हुआ है तो आपको सीधे झटके से ट्रैक करना है गाइस, थोड़ा जितना मैंने लाइन बनाई ना इतनी दूर तक आपको ट्रैक करना, वो भी झटके से एकदम जैसे अपन शॉटगन में ट्रैक करते हैं ना वैसे ही ट्रैक कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर एनिमी रनिंग में है तो आपको हमेशा यही वाली ट्रिक अपनानी है, एकदम स्टिल खड़ा हो जाना है और गाइस आपको 45 डिग्री के एंगल पे ट्रैक कर देना है, जिस भी साइड जा रहा हो, या तो देखो वो इस साइड जा रहा होगा तो आपको इस तरफ ट्रैक करना है और एकदम सीधा ट्रैक करना है, और इस साइड जा रहा हो तो इस तरफ ट्रैक करना है। इस तरीके से आप ट्रैक करोगे ना लिटरली उसको वन टैप पड़ेगा ही पड़ेगा। और गाइस वो सेंसिटिविटी और कस्टम एचयूडी का बताया था ना वो ज़रूर से फॉलो कर लेना, अगर वो नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल रहेगा। और सबसे मेन बात गाइस आपको भी जो है स्टिल खड़ा रहना पड़ेगा, और हो सके तो गाइस एनिमी जब स्टिल खड़ा हो तभी ट्राई करना तो बहुत इजीली उसको पड़ जाएंगे। तो इसी के साथ गाइस ये वीडियो एंड करता हूँ, गाइस ये टिप्स अगर आप इजीली फॉलो कर लोगे ना 100% आपके ट्रैक पड़ने लग जाएंगे वन टैप हेडशॉट से। तो बस इतना ही मेरे लिए, मेरे हिसाब से आज के लिए इनफ रहेगा। तो गाइस अगर आपके वन टैप हेडशॉट जहाँ पे पड़ने लग जाते हैं तो गाइस कमेंट में बता जरूर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।